एवरी वन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपकी फेवरेट अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो। सो जो मैंने लास्ट अनएक्सपेक्टेड करी थी उसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि शिव शक्ति की वाइब्रेशन के साथ डेविल की एनर्जी आई थी। मैंने कहा था कि कुछ डिस्ट्रक्टिव खबरें आएंगी हमारे देश में, ऐसी कोई खबरें आ सकती हैं जो बहुत अच्छी ना हों। और आपने देखा कैसे विस्फोट हुआ हरदा में और कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग की मौत हो गई। इसके बाद आपने देखा हल्द्वानी में लगातार डिस्ट्रक्शन हुआ। तो ये सभी जो एनर्जी थी वो मैंने लास्ट अनएक्सपेक्टेड में प्रेडिक्ट की थी। इस हफ्ते में देखते हैं ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो और जो आपने सोचा भी ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से, उसके बाद मेजर अरकाना से देखेंगे कलेक्टिव क्या एनर्जीज होंगी, ड्रीम चैनलिंग होगी लास्ट में, और उसके बाद हम देखेंगे एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स या वार्निंग्स दे रहे हैं। शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ऐसा क्या होगा एंजल्स जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, प्लीज़ गाइड करें। कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिलने वाली है, किसी फीमेल की वजह से आपकी लाइफ में बरकत होगी, अबंडेंस, कोई फीमेल जरिया बन सकती है। साथ ही साथ कोई ऐसी खबर मिल सकती है आपको जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, किसी ने कंसीव कर लिया हो या किसी के यहाँ बच्चा हुआ हो, इस तरह की खबर, कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। साथ ही साथ इस हफ्ते में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली अगर आप फर्नीचर बिजनेस, फूड एंड रेस्टोरेंट या पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, ज्वेलरी बिजनेस, बुटीक, इस तरह के बिजनेसेस में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे किसी नए पर्सन से। मतलब हो सकता है कि आप सिंगल हों, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं या आप मैरिड हैं या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उसके बावजूद आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है, किसी की तरफ से आपकी तरफ गिफ्ट देना, जेस्चर करना, जानते हुए कि आप किसी के साथ हैं रिलेशन में, उसके बावजूद कोई आप पर नज़र रख रहा है या रख रही है, आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करता हुआ नज़र आ रहा है, गिफ्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ लोगों को किसी की रियलिटी सामने आएगी। आपने विश्वास किया है किसी पर, लेकिन उसकी तरफ से कुछ ऐसी सच्चाई सामने आएगी जो आपको हर्ट करेगी। कुछ लोगों के कोई हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं इस हफ्ते में, हिडन सीक्रेट्स बाहर आ सकते हैं। मे बी आपकी फैमिली को कुछ चीज़ें पता चल जाएं, या आपका कोई मैसेज या चैट पढ़ ले, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सीक्रेट्स आपके बाहर आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ लोग फाइनेंशियली इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा, कहते ना, परेशान होना, एक्सेस खर्च हो जाना या बहुत ज़्यादा बेफिजूल के खर्चे होना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट सडनली आपके ऊपर आ गया और आपको करना पड़ा, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज हैं। फादर और मदर से अगर आप दूर रहते हैं तो यहाँ पर फादर और मदर या तो आपके पास आ सकते हैं या आप फादर और मदर से मुलाकात कर सकते हैं, या फादर मदर के साथ रहते हैं तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, समवन ओल्ड या तो आपसे मिल सकता है या आप उनसे मिलने जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को किसी तरह की गवर्नमेंट जॉब या नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव होगी इस हफ्ते में। या तो आप जहां जॉब करते हैं वहां, या आप जहां बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं आपको किसी तरह की रिकॉग्निशन रिसीव हो सकती है, इवन प्राइज मिल सकता है।
नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर शादी के बहुत स्ट्रांग योग हैं, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज की वाइब्स हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज, मतलब यहाँ फैमिली के इन्वॉल्वमेंट से शादी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, सेक्रीफाइस मतलब त्यागना, किसी की खुशी के लिए आप कुछ सेक्रीफाइस कर सकती हैं या कर सकते हैं इस हफ्ते में। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में कोई बैड न्यूज़ भी नज़र आ रही है, बिकॉज़ वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद द टावर। यहाँ पर पॉसिबल है कि कोई ऐसी बैड न्यूज़ सडन आपकी लाइफ में आ सकती है जो कि पिछले जन्म के कर्मा के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड, क्यों आया है टावर? कुछ लोगों को किसी दोस्त से रिलेटेड या फैमिली में किसी रिलेटिव से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है, दोस्त की फैमिली में कुछ हो गया, दोस्त को कुछ हो गया, या फिर आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके किसी रिलेटिव से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ हो सकती है। कुछ लोगों को शादी टूटने की धमकी भी मिल सकती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी या दे दूंगा, इस तरह की धमकी आप में से कुछ लोगों को मिल सकती है जो बिल्कुल आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सो ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ यहाँ से निकल कर आई है। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना, मेजर अरकाना से क्या मिलता है हमें। फाइव कार्ड्स एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस हफ्ते में ओवर एंड ऑल, कैसी न्यूज़ हो सकती है अनएक्सपेक्टेड। अगेन वी हैव गॉट टावर, मतलब कोई ना कोई बैड न्यूज़ है गाइस, डबल कंफर्मेशन ये हो गई। यस, टावर के साथ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है, बिकॉज़ डिस्ट्रक्शन और शिव शक्ति की वाइब्रेशन है, तो यहाँ सडन कोई ऐसी खबर हो सकती है जो कि सुनने में अच्छी ना लगे, और यहाँ भगवान भोलेनाथ का रौद्र रूप नज़र आ रहा है मुझे, बिकॉज़ एनर्जी हैवी है। भगवान महादेव सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें और सबकी रक्षा करें, यही प्रार्थना करूँगी। अपनी कोई फीमेल पब्लिक इमेज से रिलेटेड भी खबर आ सकती है इस हफ्ते में, प्लस अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है उसका बहुत ध्यान रखें और अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। डेफिनेटली किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर इस हफ्ते में सुनाई देगी, प्लस कोई बड़ा डिसीजन अगर आप लेना चाह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप अगर किसी तरह के मैटर में उलझे हुए हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, वहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है। साथ ही साथ फैमिली में, जैसा मैंने कहा, कोई बड़ी खबर आपको सुनाई दे सकती है। कुछ लोगों को नेम फेम रिकॉग्निशन रिसीव होगा, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ काफ़ी चीज़ें सिमिलर आई हैं टैरो से, जो टैरो में आई थी वही मेजर अरकाना से भी आई हैं। मेडिकल से रिलेटेड भी कोई खबर आप में से कुछ लोगों को सुनाई देगी, हेल्थ से रिलेटेड कोई सडनली कोई ऐसी खबर जो कि आपको टेंशन दे सकती है, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। ड्रीम चैनलिंग की बात करते हैं, हैवी एनर्जी है गाइस, यहाँ मैं पिक कर पा रही हूँ एनर्जी को। ठीक है, सबसे पहले मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग कर दूं तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा दृश्य आपके नज़रों के सामने आ सकता है कि आपसे कोई मिलने आया है सपने में, जो कि सफ़ेद रंग के कपड़ों में है या पीले रंग के कपड़ों में है, पीले वस्त्र में स्त्री या पुरुष, या सफ़ेद वस्त्र में स्त्री या पुरुष। सफ़ेद भी कैसा, वो सफ़ेद आपको धरती पर वो कपड़ा नहीं मिलेगा, वो अजीब ही एनर्जी होती है, पता नहीं किस मटेरियल का कपड़ा यूज़ करते हैं एंजल्स, मुझे भी
बहुत सुंदर लगता है, बट मैंने खोजा बहुत, मिला नहीं मुझे। तो ऐसा आपको सफ़ेद, मतलब बिल्कुल अजीब ही वो शाइन होती है उसमें, उस तरीके के कपड़ों में आपको कोई ना कोई एंजल्स मिल सकते हैं। स्पेशली अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, भगवान पर बिलीव करते हैं, तो उनके थ्रू आपको कोई मैसेज भी मिलेगा। वो आपको बकायदे बैठा कर सिखाएंगे या बताएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसे सपने आ सकते हैं कि या तो आप झाड़ू खरीद रहे हैं, या झाड़ू लगा रहे हैं, या झाड़ू को बेच रहे हैं, या झाड़ू टूटा हुआ है। इस तरह के कोई ना कोई सपने झाड़ू से रिलेटेड आपको आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्कूल से रिलेटेड, या एग्ज़ाम्स देने से रिलेटेड, या परीक्षा में फेल पास रिजल्ट से रिलेटेड सपने देख सकते हैं। कुछ लोगों को उनके छोटे भाई बहन या कजन्स के सपने आ सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे भी सपने आ सकते हैं कि आप टॉयलेट में हैं या टॉयलेट कर रहे हैं। इस तरह के भी सपने आपको नज़र आ सकते हैं जो कि शुभ होते हैं। इसके अलावा आपको फ्रूट से लदे हुए वृक्ष, या आप उस वृक्ष से फ्रूट तोड़ रहे हैं, वो एप्पल का हो सकता है, बनाना हो सकता है, मैंगो हो सकता है, कोई ना कोई फ्रूट से रिलेटेड आपको ड्रीम्स आ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप किसी अदर रेल्म में ट्रैवल करें, मे बी आप किसी अननोन रेल्म में ट्रैवल करें, जहाँ के जो मनुष्य हैं वो आपसे कांटेक्ट करें, बट वो जो मनुष्य हैं वो दिखने में हमारे जैसे नहीं हैं, डिफरेंट हैं। इस तरह के भी सपने आप में से कुछ लोगों को, या यूएफओ से रिलेटेड सपने आप में से कुछ लोगों को नज़र आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो कार्ड्स हैं, आप में से कई लोगों को बर्ड्स या बर्ड्स के फेदर या हॉर्स, हॉर्स भी बहुत डिफरेंट कलर का हॉर्स जो कि बहुत रेयर है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, फ्रूट से लदे वृक्ष या फ्रूट, इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। बच्चे से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबी। सूर्य लाल कलर का आपको नज़र आ सकता है, या नॉर्मल जो कलर होता है उस कलर में आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा कई लोगों को ऐसे भी सपने आ सकते हैं कि आपका यूनियन हो गया है, या आपका पर्सन आपके साथ है सपने में। जिस भी पर्सन के साथ आप हैं, मतलब आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, उसके सपने आपको आ सकते हैं। समय से रिलेटेड कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, या वॉच आपको सपने में नज़र आ सकती है। सपने में आप कोई गेम जीत गए या हार गए, इस तरह के भी ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। यहाँ पर भालू से रिलेटेड भी ड्रीम कुछ लोगों को आ सकते हैं, या सर्प से रिलेटेड, मीन्स स्नेक से रिलेटेड। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, इस हफ्ते में क्या खबर है और किस दिशा से रिलेटेड खबर है। सबसे पहले तो किसी महिला से रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट खबर इस हफ्ते में आपको सुनाई दे सकती है। इसके अलावा पेड़ से रिलेटेड या जंगल से रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है। इसके अलावा अग्नि से रिलेटेड, फायर से रिलेटेड कुछ खबर आपको सुनाई दे सकती है। दिशा, यहाँ पर तीन दिशाएं आए हैं। यहाँ पर ईस्ट वालों के लिए भी मैसेज है, वेस्ट वालों के लिए भी मैसेज है, और साउथ डायरेक्शन वालों के लिए भी मैसेज है। तो यहाँ ईस्ट, वेस्ट और साउथ तीनों दिशा से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आपको इस हफ्ते में सुनाई देगी। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी अच्छा है वो आपके साथ रेजोनेट हो, कुछ भी बुरा मेरे व्यूवर्स के साथ रेजोनेट ना हो। सो हर हर महादेव, रक्षा करें सबकी, और थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।